बेसिक गेम प्ले खेल करके भी रह सकते हैं। बट खैर एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर नजर डालते हैं एंड स्काईलाइट्स गेमिंग। ऑलराइट, आपको बता दें देवियों सिजनों जो टाई ब्रेकर रहता है स्काईलाइट्स और ओआर दोनों के सेम पॉइंट्स है, बट रीसेंट चिकन डिनर जो आता है वो स्काईलाइट्स गेमिंग के पास आता है। बिकॉज ओआर के पास भी आया जरूर था बट स्काईलाइट्स के पास रीसेंट चिकन डिनर है, तो उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड टाई ब्रेकर होता पोजिशन पॉइंट, फिर होता फिनिशेस, बट पहला टाई ब्रेकर स्काईलाइट्स एट द टॉप। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे OR Esports। बिल्कुल #2 मैं वही चीज बोलने वाला था कि वो कंसिस्टेंसी अभी मुझे समझ आया आदित्य ने क्यों बोला अपने इंटरव्यू में। टॉप 8 टीम्स सबके जो अंक है वो 40 या 40 से ऊपर हमें देखने को मिलते हुए, और 16वां पायदान जो कट ऑफ पॉइंट है वो लगभग 24 अंक का, वो अभी के लिए 24। आप ये सोचिए क्यों ना ऑब्वियसली कल परसों हर दिन वॉलेटाइल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम तो ऑब्वियसली होने नहीं वाला, हर बार बढ़ता ही रहेगा जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन अभी जो टीमें 24 जो 24 पॉइंट से नीचे हैं, जो 16 से बाहर हैं, क्योंकि आप देखिए सब टीमों के 4-4 मैचेस हो चुके हैं, ऐसे ही 4 कल होंगे, 4 परसों, तो 16 मैचेस ही टोटल जाना है सबको, तो उस चीज की कोशिश रहेगी। बट 20 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस अभी भी है। अगर हम लोग बात करें, एनिग्मा है, ओल्ड वुड है, सोल 247, हैदराबाद हाइड्रास, एक्सपैक एंड CXRS मिसो। नथिंग इज लॉस्ट, सब टीमें कमबैक कर सकती हैं क्योंकि 3 दिन है। एक टीम अगर एक दिन में 58 पॉइंट्स ले सकती है तो बाकी टीमों के पास भी वो एक दिन उनका आ सकता है। बिल्कुल, एक गुड डे, एक मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छा गेम बस अगर आपके पास आता है ना तो आपका वो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्टअप होता है नजर आता है। बट अगेन अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंसी की, आप देखिए